इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा स्वैम्प्स में, जहाँ पर दो आदमी और एक लड़का फिशिंग कर रहे थे। और वो लड़का पूछता है कि ये मछली कब तक आएगी, जिस पर एक आदमी उसे कहानी सुनाने लगता है जो उसके साथ घटी थी, और वो कहानी थी द थिंग की। उस बच्चे को लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है जो उसने रुफुस जूनियर से स्कूल के रिसेस टाइम में सुना था, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कैसा नहीं है, वो एक थिंग है जो दूसरे प्लेनेट से आया है। और वो अपना इंसिडेंट बताने लगता है जहाँ वो कहता है कि मेरे सामने आसमान से एक UFO उतरा, और तभी सच में एम का स्पेसशिप आ जाता है उनके ऊपर से, जिस पर वो लड़का कहता है मुझे अब ये सच लग रहा है, जिस पर वो आदमी कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा। और तभी वो स्पेसशिप घूम कर उन्हीं के पास आ जाता है, जिस पर वो तीनों बोट से नीचे कूद जाते हैं, और उसमें से बाहर निकलता है डेडपूल, जो उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर कहीं इंटरडाइमेंशनल डोरवे खोलता हुआ देखा। और तभी जॉम्बी डेडपूल उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है, उसे देखकर वो भागते हुए कहते हैं ये तो एक हॉन्टेड हेड है, भागो यहाँ से। जिसे देखकर डेडपूल जॉम्बी डेडपूल से कहता है तुम एक रियल पीपल पर्सन हो शॉर्टी, जिस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है ये तो मेरा एक गिफ्ट है, और वो उसे ले जाने लगता है उस जगह जहाँ पर उसे वो पोर्टल दिखा था। थोड़ी देर चलने के बाद डेडपूल जॉम्बी डेडपूल से कहता है ये क्या है, तुमने कहा था तुम्हें पता है वो कहाँ पर है, जिस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है हाँ मैंने कहा था वो फ्लोरिडा स्वैम्प्स में है, और यहाँ सब चीज़ें एक जैसी ही लगती है, पता ही नहीं चल रहा वो कौन सी है। जिस पर बिल कहता है मुझे लगता है मेरे पास जो ये डिवाइस है ये किसी तरह की एनर्जी इमिशन करता है, अगर मैं एक बार सारी जगह का नॉर्मल फिल्टर कर लूँ तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। जिस पर डेडपूल कहता है अगर ऐसा है तो जल्दी करो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जैसा कि मैंने प्लान किया था, जिस पर वो कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे। डेडपूल उसे मजाक में उड़ाते हुए कहता है नहीं, और तभी बेटी कहती है तो चलो जल्द से जल्द इसे ख़त्म करते हैं, जितनी जल्दी हम इसे ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हम घर जा पाएंगे। और बिल अंदर जाकर आर्म लॉकर से कुछ और हथियार लेकर आओ, मैं नहीं चाहती मैं किसी स्वैम्प के रेप्टाइल के जरिए निकली जाओ, क्योंकि मेरे पास फायर पावर नहीं थी। जिस पर डेडपूल कहता है ये कब से इंचार्ज होने लगी, और ऐसा इसने कभी कहा भी नहीं कि ये इंचार्ज होना चाहती है। तभी बिल कहता है रीडिंग स्ट्रॉन्गर हो रही है, शायद वो साउथ की तरफ है। इसी बीच एम स्पेस स्टेशन पर उनका सब कमांडर एडमिट था, और एक एजेंट उसे रिपोर्ट कर रहा था कि हमारे पास अभी 80% मैन पावर बची है और हमारा स्टेशन अभी इमरजेंसी पावर पर चल रहा है। जिस पर वो पूछता है तो हाइड्रा फ्रैगेट का क्या, इस पर उसे जवाब मिलता है वहाँ पर सेवरल डैमेजेस हो चुके हैं और हमारे सेंसर बता रहे हैं कि वो दूर चले गए हैं, शायद वो रिपेयर करना चाहते हैं उसे, लेकिन ये यूजलेस होगा। जिस पर वो कहता है तो ठीक है हम अब उस हेड के पीछे जाएंगे, जिस पर एम एजेंट उससे कहता है सर अभी और भी है, सब कुछ बंद हो चुका है लेकिन रडार अभी भी चल रहे हैं, और उसके हिसाब से इस सेक्टर में एक हाइड्राशिप आ चुका है, और हम देखते हैं उस हाइड्राशिप में, जहाँ पर एक हाइड्रा एजेंट अपने कमांडर से पूछता है कि आगे क्या करना है, जिस पर वो कहता है कि मिस्टर विल्सन के पीछे चलो और उन्हें मारने का तरीका ढूंढना है, जिस पर वो कहता है ठीक है कोऑर्डिनेट सेट कर दिए गए हैं लॉर्ड फैल्कन, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दौरान फ्लोरिडा में देखते हैं उन तीनों को, और उनके पीछे पड़ा था मैन थिंग, और बिल वहाँ पर डेडपूल से कह रहा था ये रीडिंग वियर बिहेवियर कर रही है, ऐसा लग रहा है ये फ्लक्चुएट हो रही है या फिर पल्स कर रही है या फिर ऐसा ही कुछ, जिस पर वो कहता है तुम्हें पता है ना कि वो रीडिंग कहाँ से आ रही है। और तभी एक सांप हमला करता है डॉक्टर बेटी पर, जिसे डेडपूल उड़ाता है, और उस पर बिल कहता है ये बहुत अच्छा शॉट था। इसी दौरान हाइड्रा स्पेसशिप पर लॉर्ड फैल्कन विल्सन के फाइल को देखकर कह रहा था हाइड्रा इंटेलिजेंस ने एडवेंचरस मिस्टर विल्सन पर फाइल क्लोज कर दी, लेकिन ये एक प्रोफेशनल आदमी है सारे वेपन्स में, स्पेशली ये चुनता है अपने समुराई स्वॉर्ड्स जो डिज़ाइन किए गए हैं बारबरिक हैकिंग और स्लैशिंग के लिए, और विल्सन के साथ मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिलेगा, कोई ऐसा जो मुझे चैलेंज कर सके। और तभी एक हाइड्रा एजेंट कहता है लॉर्ड फैल्कन हमें वो मिल चुका है, हमें एम स्पेसक्राफ्ट मिल चुका है। वही दूसरी तरफ जॉम्बी डेडपूल स्वैम्प में सबसे कह रहा था ये वही स्वैम्प है जहाँ पर मैं पोर्टल के थ्रू आया था, जिसे सुनकर डेडपूल कहता है हाँ अब मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है क्योंकि तुम 10 बार ये बता चुके हो, जिस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है अरे यार गुस्सा मत हो, मेरे पास भी तुमसे मिलने से पहले एक लाइफ थी
अंडेड ही सही लेकिन थी, जहाँ पर मैं और सिमन कैरेबियन में मस्ती कर रहे थे। हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, ऑब्जर्व की इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ्स, और हम दोनों मिलकर शायद एक क्लब भी बना देते। और तभी मैनथिंग ये सुनकर उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर डॉक्टर बेटी और बिल उस पर हमला करने लगते हैं, लगभग मैनथिंग को इमोबलाइज कर देते हैं, लेकिन मैनथिंग हील हो जाता है। ज़ॉम्बी डेडपूल आगे कहता है वो स्लो मूव कर रहा है, अगर हम जल्दी करें तो उससे बच सकते हैं। जिस पर डेडपूल कहता है तुमने सुना ना हेड ने क्या कहा, तो भागो। और भागते हुए डेडपूल ज़ॉम्बी डेडपूल से पूछता है तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम इससे पहले लड़ चुके हो। जिस पर ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और भागो, क्वेश्चन मत करो। आगे जाकर थोड़ी देर बाद बेटी और बिल थक जाते हैं, जिस पर बिल कहता है हम करीब है। जिस पर ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है यहाँ तक तो अच्छा था, और अब हमें मिलेगा पोर्टल, हम जा सकेंगे ज़ॉम्बी यूनिवर्स, ये थोड़ी दूर रह गया है। और तब हम देखते हैं लॉर्ड फैल्कन को, जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर खड़ा था और कह रहा था प्लान में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं, हेड जाएगा हाइड्रा लैब में, और मिस्टर विल्सन तुम मेरे साथ अपना ब्लड निकाल कर मेटल टेस्ट करोगे एक दूसरे के साथ। जिस पर डेडपूल कहता है हाँ हाँ वही करेंगे, लेकिन पहले बताओ कि तुम हो कौन। और तब हम देखते हैं दो एम एजेंट्स को, जो एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या इंटरवेन करना सही होगा, जिस पर दूसरा कहता है नहीं, सिर्फ चुपचाप देखते रहो। लॉर्ड फैल्कन गुस्से में डेडपूल से कहता है तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, मैं हूँ लॉर्ड बैरन वॉन टिटो हैब्सबर्ग रॉथशिल्ड फैल्कन द सेवन, रॉयल्टी और वॉरियर्स की ब्लड लाइन से, उनका खून मेरे फैमिली के नसों नसों में बहता है, और दूसरे रॉयल फैमिली की औरतें अपनी फैमिली लाइन बचाने के लिए मेरा बीज मांगती है। डेडपूल ये सब सुन रहा था, और लॉर्ड फैल्कन की बातें उसे सिर्फ ब्ला 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 सुनाई दे रही थी, और वो कह रहा था इसके बात करने का तरीका मुझे बोर कर रहा है। और जब लॉर्ड फैल्कन अपनी बड़ाई खत्म कर देता है तब डेडपूल कहता है मुझे माफ करना, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटक गया था, क्या तुम फिर से बता सकते हो जो अभी अभी तुमने कहा। ये सुनकर लॉर्ड फैल्कन कहता है चुप करो ढीठ निकम्मे, अब तुम समझोगे जब मैं तुम्हारे पेट में ये ठंडा स्टील घुसेड़ दूंगा, और तुम्हारे इतने छोटे टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा हीलिंग फैक्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और तभी मैन थिंग सारे हाइड्रा एजेंट्स को मारने लगता है। ये देखकर लॉर्ड फैल्कन उससे कहता है मैं तुम्हें उस कंडीशन में मिला हूँ जिस कंडीशन में मैं अभी डिसएडवांटेज स्टेट में हूँ, और अभी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ब्लेड टू ब्लेड के लिए, क्या तुम इस ऑनरेबल फाइट के लिए तैयार हो। जिस पर डेडपूल ज़ॉम्बी डेडपूल को आगे करते हुए कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ लॉर्ड पिजन, और मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। लॉर्ड फैल्कन डेडपूल पर हमला करते हुए कहता है तुम अपने सियासी मौत के लिए अंजाम भुगतोगे, जिसे डॉस करते हुए डेडपूल कहता है ये मैंने बहुत बार सुना है, और मैं मर्स विद माउथ हूँ, तुमने साइन आउट नहीं पढ़ा। अब दोनों आमने सामने थे अपने ब्लेड के साथ, जहाँ पर डेडपूल कहता है अपना सिर घुमाओ और खासो फैल्कन, जिसे सुनकर लॉर्ड फैल्कन कहता है अपनी बकवास बंद करो, लेकिन तभी लॉर्ड फैल्कन का गला डेडपूल काट देता है और कहता है ये तुम्हारा हेयर कट था जो मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहा था। और लॉर्ड फैल्कन का कटा हुआ सर जाकर गिरता है ज़ॉम्बी डेडपूल के पास, जहाँ पर वो कहता है ये देखो लंच मिल गया, लेकिन उसे उठाकर भागने लगता है डेडपूल, जिससे डॉक्टर बेटी कहती है बॉडी पार्ट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो एयरबॉर्न होना चाहते हैं। इस पर डेडपूल कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया। पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए डेडपूल कहता है इसके बारे में क्या कहना है शॉर्टी, तुम्हें पता है ना ये एक हाइपर डायमेंशनल टैक्सी स्टैंड है। और तब उन्हें देखकर डॉक्टर बेटी कहती है और मेरा काम यही खत्म होता है चैम्प, ये बहुत ही डरावना था लेकिन इंटरेस्टिंग भी। और तब बिल उनसे कहता है मुझे जाकर वो स्पेसशिप उस कीचड़ में से बाहर निकालना होगा, वरना एम वो मेरे तनख्वाह में से काट लेगी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर डेडपूल कहता है अब ऐसा लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पर है शॉर्टी। जिस पर ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है मैं उन लोगों को मिस करने वाला हूँ, खासकर बेटी को, उसकी जैसी कोई भी नहीं हो सकती। और वो दोनों पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं।